वेलकम टू आवर चैनल। आज है 3 अगस्त 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितनी भी करंट अफेयर्स 3 अगस्त 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये वीडियो डेली मॉर्निंग में 4 बजे आप लोगों के लिए आ जाएंगे। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। द यूएन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होम्योपैथी। इंडिया और किस कंट्री के बीच? ऑप्शन लिबिया, जिम्बाब्वे, मोरक्को, नाइजीरिया। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरीरा। क्या है? हरीरा। और जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? डॉलर। जिम्बाब्वे ये अफ्रीकन कंट्री है। लीबिया की कैपिटल क्या है? त्रिपोली। त्रिपोली। और लीबिया की करेंसी क्या है? लिबियन दिनार। और लीबिया भी एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबाट। और मोरक्को की करेंसी क्या है? मोरक्कन दिरहम। नाइजीरिया के कैपिटल क्या है? अबुजा। और नाइजीरिया की करेंसी क्या है? नाइजीरियन नायरा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ द रिलीजियस प्लेस फ्रॉम 1 सितंबर। ऑप्शन पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ द रिलीजियस प्लेस फ्रॉम 1 सितंबर, 1 सितंबर से। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। और पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनोरी। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? सुल्तान नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। कौन से दिन मनाए जाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस? ऑप्शन 15 जनवरी, 25 मार्च, 30 जुलाई, 10 अगस्त। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 जुलाई को। 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गवर्नमेंट हैज मेड रेसलर बबीता फोगट एंड होम एज द डिप्टी डायरेक्टर इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। बबीता फोगट और किसको? ऑप्शन कविता दलाल, विनेश फोगट, साक्षी मल्लिक, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन ए, कविता दलाल। कविता दलाल, ये हैं कविता दलाल। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, Which young Indian activist has recently been nominated by the UN chief of the new advisory group? Option Archana Soreng, Mohini Singh, Anita Tyagi, Komal Sachdeva. तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग नॉमिनेटेड बाय द UN चीफ ऑफ द न्यू एडवाइजरी ग्रुप। ये है अर्चना सोरेंग। UN के UN यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहां है? तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। एंड यूएन, यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन 24 अक्टूबर 1945। और यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट कौन है? जॉन डब्ल्यू एसे। कौन है? जॉन डब्ल्यू एसे। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैव 12 एमरिट फार्मेसीज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? ऑप्शन हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना। तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 12
एमरिट फार्मेसी स्टेब्लिश किए गए हैं, 12 एमरिट फार्मेसी स्टेब्लिश इन जम्मू कश्मीर। ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। उत्तराखंड की, उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के सीएम है। और तेलंगाना के सीएम कौन है? केसी राव, के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदर्य राजन। और तेलंगाना वास फाउंडेड इन 2 जून 2014, इसलिए 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है 2 जून को। हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन अवेयरनेस प्रोग्राम टू डील विद अर्थक्वेक्स? ऑप्शन महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, झारखंड। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी। सो दिल्ली हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन अवेयरनेस प्रोग्राम टू डील विद अर्थक्वेक। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? सुल्तान नेशनल पार्क। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और बिहार के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? वाल्मीकि नेशनल पार्क। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियंस हैज रिसेंटली बीन नेम्ड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सिंगापुर? ऑप्शन मोहनलाल, प्रीतम सिंह, राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रीतम सिंह। ये है प्रीतम सिंह। सिंगापुर के कैपिटल क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर की करेंसी क्या है? डॉलर। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। कौन है सिंगापुर के प्रेसिडेंट? हलीमा याकूब। अगला क्वेश्चन है, विच मिशन हैज नासा रिसेंटली लॉन्च टू स्टडी ऑन मार्स? ऑप्शन आर्टेमिस 1B, जुपिटर 2020, मार्स 2020, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्च 2020। सो नासा रिसेंटली लॉन्च्ड विच मिशन मार्च 2020 टू स्टडी ऑन मार्स। नासा के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। और नासा के चेयरमैन कौन है? जिम ब्रिंडेस्टाइन। नासा के चेयरमैन कौन है? जिम ब्रिंडेस्टाइन। एंड नासा वास फाउंडेड इन 29 जुलाई 1958 में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड टू रिड्यूस वैट रेट ऑन डीजल फ्रॉम 30% टू व्हाट परसेंट? ऑप्शन 12.5%, 16.75%, 16.95%, 18.7%, 75%। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16.75%। सो दिल्ली गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड टू रिड्यूस वैट रेट ऑन डीजल फ्रॉम 30% टू 16.75%। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? तो सुल्तान नेशनल पार्क। VAT, वैट के फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। देयर आर 3 रेट्स ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स विच आर अप्लाई टू गुड्स एंड सर्विसेज। 3 रेट होते हैं वैल्यू एडेड टैक्स के जो गुड्स एंड सर्विसेज में अप्लाई होते हैं। पहला रेट क्या है? स्टैंडर्ड रेट। पहला रेट है स्टैंडर्ड रेट। दूसरा रेट है रिड्यूस्ड रेट। और तीसरा है आपका जीरो रेट। अभी करेंटली स्टैंडर्ड रेट 20% है और रिड्यूस्ड रेट आपका है 5% और जीरो रेट है आपका 0%। अगला क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड्स IS सिस्टम इंडिया हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ हाउ मेनी आइटम्स बाय मार्च 2021? ऑप्शन 371 कैटेगरीज, 301 कैटेगरीज, 211 कैटेगरीज, 121 कैटेगरीज। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, 371 कैटेगरीज। इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम वाज फॉर्म इन, कब फॉर्म हुए हैं? 23 दिसंबर 1986 में।
एन इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट 2.2 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ साउथ एशिया हैव बीन अफेक्टेड बाय, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाय एलिमेंट्री एजुकेशन ड्यू टू कोरोना वायरस। ऑप्शन यूनिसेफ, विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनिसेफ, IMF, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 3 अगस्त 2020 में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और अपने सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।